मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर है। इसी बीच आज ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे भी हो रहा है। ऐसे में सीएम के दौरे को लेकर सियासत भी जोरों पर है। वहीं आज प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ सीएम योगी बैठक करेंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित वाराणसी दौरे की तैयारियों को देखते हुए सीएम वाराणसी पहुंचे हैं। आज सीएम योगी जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर प्रशासन और जन कल्याण के कामकाज का फीडबैक भी लेंगे। वहीं सीएम योगी राजघाट के बगल में बने खिड़किया घाट, लहरतारा, फुलवरिया, फोरलेन, दशाश्वमेध प्लाजा का फॉलोअप लेने भी जा सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में वाराणसी आएंगे और जनवरी से अब तक पूरी हो चुकी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा, जिसमें रिवर फ्रंट योजना और सिटी ट्रैफिक की बदहाली से बचाने के लिए रोपवे भी शामिल हो सकता है। हालांकि इन्वेस्टर न मिलने से रोपवे के लिए अभी टेंडर नहीं हुआ है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दुर्गेश यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दुर्गेश, देखिए प्रशासन और जन कल्याण के कामकाज का आज फीडबैक लेने वाले हैं वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहने वाला है? जी ऐसी मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो दिवसीय दौरे पर कल से ही वाराणसी में है सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि मैं आपको बता दूं कि कल का जो उनका दौरा था बहुत अहम माना जा रहा था, क्योंकि जंगनवाड़ी में जिस तरह से वहां के जो उनका रुद्राभिषेक किए और उसके बाद से जो सवा जो चौरी चौरा का वार्षिकगढ़ था उसको भी उन्होंने वो वहां पे संपूर्ण भाग लिया डीएवी पीजी कॉलेज में। लेकिन आज की जो बात की जाए तो आज भी आला अधिकारियों के साथ वो उस बैठक करेंगे, जिसमें जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएम जो प्रधानमंत्री हैं वो जून के लास्ट सप्ताह में या जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में आने वाले कई 100 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि खिड़किया घाट हो गया, नमो घाट हो गया, जो नमो घाट है यहाँ पर जो नमो घाट बना है जिस तरह से बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का बना है, सीधे गंगा से बाबा विश्वनाथ में जल लाकर रुद्राभिषेक कर सकते हैं, तो उसी के जस्ट बगल में जो नमो घाट है बना है उसका उन्होंने सर्वे किया है। सर्वे करने के बाद जो जिस तरह से बनारस के लिए और पर्यटक का क्षेत्र बढ़ावा मिलेगा जिस तरह से, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सीएम योगी आज जिस तरह से फीडबैक ले रहे हैं, जिस तरह से जो कार्य रुका हुआ है, जिस तरह से फुलवरिया फोरलेन का वो कार्य का निरीक्षण किए कर रात में, उसका भी जितना भी कार्य है यानी कि पीएम के आने से पहले सबका फीडबैक लेंगे, आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे जो कि कमिश्नरी सभागार में करेंगे, जिसमें डीएम मौजूद रहेंगे, मंडलायुक्त मौजूद रहेंगे, जो आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहीं से सीधे गोरखपुर लिए रवाना हो जाएंगे। जी शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। सीएम के दौरे को लेकर सियासत भी तेज नजर होती दिखाई दे रही है। जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ आज सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में बैठक लेंगे।